दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। अब से मेरी बहुएं भी खिल खिलाएगी और मुस्कुराएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, कितनी खुश नसीब हैं आप। मुझे आए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि आपकी दोनों बहुएं कितना हिल मिल कर सारा काम कर लेती हैं और हर समय मुस्कुराती भी रहती हैं। साथ ही साथ आपका सम्मान भी कितना ज्यादा करती हैं। हर समय माजी माजी कहकर आगे पीछे ही घूमती रहती, और सुलोचना भी बहुओं की खुशियों का बहुत ख्याल रखती। राधिका भैया के भैया दूज का टीका करने के लिए आई थी, और उसको सुलोचना की बहुओं का व्यवहार बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब से वो आई, देख रही थी कि वो लोग सुलोचना से कुछ भी किसी काम के लिए पूछती, तो सुलोचना यही जवाब देती कि तुम लोगों को जो सही लगे वो कर लो, हमसे पूछने की क्या जरूरत। लेकिन वो तो बहुओं से नाराज हो जाती। अगर बहुएं उससे पूछे बिना कोई निर्णय ले लेती तो सुलोचना बैठे बैठे उनके रसोई के काम में भी यथासंभव मदद कर देती। उसने बहुओं के आने के बाद रसोई में झांकना ही छोड़ दिया। और तो और, अभी अभी दीपावली वाले दिन, जबकि इतना बड़ा त्योहार, तो खुद तो शाम से ही पूजा के लिए सज धज कर बैठ गई, और बहुए देर तक रसोई में जुटी रही। तो पूजा का मुहूर्त हो जाने के कारण उनको ढंग से तैयार होने का समय भी नहीं मिला, और उनके सेहरे बुझे बुझे से रहे। लेकिन राधिका को उस सब से कोई मतलब ही नहीं था। जीजी बस कुछ नहीं, इन सब का एक ही फंडा है, सब कुछ बहुओं को सौंप दो और उनके किसी भी काम में भी मीन मेक ना निकालो। लेकिन हम लोग ना अपना बड़पन नहीं छोड़ना चाहते, और हर समय टोका टाकी करके अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार होने का दिखावा करने के लिए ज्यादा उतावले रहते हैं। आज कल जब अपने बच्चे टोका टाकी नहीं पसंद करते हैं, तो पराए घर से आई बेटियों से क्यों शिकवा शिकायत करते हैं। सब कुछ सौंप दो बहुओं को, मस्त रहो और मस्त रहने दो। यही जिंदगी का सबसे बड़ा खुश रहने का मूल मंत्र है, और ये जान लीजिए तभी हम
की जिंदगी भी सुकून से कटेगी। जीजी यकीन मानिए, बहुओं की खुशियों की चाबी हमारे ही हाथ में होती है, लेकिन हम जबरदस्ती मुट्ठी बंद करके उसे खोलना नहीं चाहते। सुलोचना राधिका को समझाने का प्रयास करते हुए बोली, राधिका अपनी बहुओं को बहुत ज्यादा दबाव में रखती और हर समय उन पर बैठे बैठे हुकुम सलाती रहती, जो कि सुलोचना ने कई बार महसूस किया, लेकिन उनको कभी भी टोकने की हिम्मत नहीं हुई। सुलोचना की लेकिन आज दबे दबे शब्दों में सुलोचना ने अपनी बात कह ही डाली। भाभी मैं कल सुबह वापस जा रही हूँ, अचानक राधिका ने फरमान सुना दिया इतनी जल्दी। जी, लेकिन आपने तो कहा था कि 10-12 दिन तक हम लोगों के साथ ही रहेगी। भाभी देर आए दुरुस्त आए, अब से मेरी बहुएं भी आपकी बहुओं की तरह खिल खिलाएगी, मुस्कराएगी। इसीलिए मुझे तुरंत अपने घर वापस जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा देर हो जाए। राधिका ने सुलोचना का हाथ पकड़कर उसके गले लगते हुए कहा, भाभी आपने मेरी बहुओं की खुशियों की चाबी दे दी। सुलोचना ये सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि जीजी के स्वभाव का एक नया आगाज हो चुका था। जितना ज्यादा किसी को दबाव में रखेंगे उतना ही हमें कष्ट होगा। मस्त रहिए, मस्त रहने दीजिए, यही जिंदगी में खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है।